बुलंदशहर के खुर्जा नगर पालिका के निशासी अधिकारी का तुगलकी फरमान, जेई निर्माण के ऑफिस के गेट के बाहर ही लोगों पर एंट्री पर लगाई रोक, चस्पा किया गया नोटिस। अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, घाघरा नदी की कटान देखने ट्रैक्टर से पहुंचे डीएम, पीड़ितों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। यूपी के बरेली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, गोलीबारी के दौरान दो पुलिस वाले बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की जांच में जुटी है पुलिस। मेरठ में नाथ संप्रदाय के साधुओं के साथ मारपीट का मामला, बच्चा चोरी का आरोप लगा, वायरल वीडियो पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। एमपी के सीहोर में घर में घुसकर युवती की हत्या, एक तरफा प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है पूरा मामला, घटना को अंजाम देने के बाद युवक फरार हो गया। यूपी के महाराजगंज में डबल मर्डर से सनसनी महिला और उसके 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई, महिला के पति पर हत्या का आरोप। उधर यूपी के बागपत में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ, धारदार हथियार लेकर घर में घुसे हमलावर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के एटा में दो पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव, झड़प के दौरान दो लोग हुए घायल, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शांत कराया मामला। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में हत्या, आरोपियों ने अस्पताल में भर्ती मरीज पर 5 राउंड की फायरिंग की, मौके पर ही मौत हो गई, 23 जून को हॉस्पिटल में करवाया गया था भर्ती। बहराइच में विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया, कमरे में फंदे पर लटका मिला महिला का शव, पुलिस कर रही जांच। उधर यूपी के महोबा में पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला हुआ, दबंगों ने लाठी डंडों से युवक को पीटा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के लखीमपुर में बवाल के बाद पुजारी का हुआ अंतिम संस्कार, बाबा पर हथियार से हुआ था हमला, वहीं पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर लोगों ने बवाल काटा। यूपी के रामपुर में दबंगों ने दुकानदार की बेरहमी से पिटाई की, सिगरेट की कीमत को लेकर हुई थी कहासुनी, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भीषण सड़क हादसा, कार और ऑटो की टक्कर में एक बच्चे की मौत, 4 लोगों के घायल होने की खबर। बिहार के किशनगंज में दर्दनाक हादसा हुआ, नेशनल हाईवे 327 पर स्कॉर्पियो ट्रक की टक्कर हुई, हादसे में 6 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। जयपुर से खबर, अतिक्रमण पर एक्शन लिया जा रहा है, गोपालपुरा बाईपास पर हटाए जा रहे अतिक्रमण, जयपुर विकास प्राधिकरण एक्शन मोड में है और कार्रवाई की जा रही है, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। उससे पहले आपको खबर बता दें, जयपुर में अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जा रही है और एक्शन लिया जा रहा है, एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चलता दिखाई दे रहा है, ये कुछ तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जेडीए का एक्शन। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी का, अमरदीप जुड़ गए हमारे साथ बात करने के लिए। अमरदीप, ये कैसा इलाका है, किस तरीके की कार्रवाई है ये और ये कार्रवाई कब तक चलेगी? तो देखिए, लाइव तस्वीरें सीधी निकल के आ गई है जयपुर से, जहां पर जेडीए का एक्शन दिखाई दे रहा है, ये लाइव तस्वीरें हैं। देखिए, पीला पंजा जो है ये आपको दिखा रहा है आपको कार्रवाई करते हुए, और दरअसल ये अतिक्रमण पर जेडीए का एक्शन है वो यहां पे मौजूद है और जेडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है, और जेडीए का पीला पंजा जो है यहां पे आप चलता हुआ देखेंगे, क्योंकि जो गोपालपुरा बाईपास से गुजर की खड़ी तक जो अस्थायी अतिक्रमण है वो लगातार चल रहा है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू है, और यहाँ ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और लगातार ये कार्रवाई चल रही है, लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जोन 4 के जो अधिकारी सुरेंद्र जी वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे। सुरेंद्र जी, लगातार ये कार्रवाई जारी है, आप यहाँ से और कहाँ तक इस कार्रवाई को कराएंगे? आज के दिन ये जो है अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है, ये गोपालपुरा मोड़ से गुजर की थड़ी तक चलेगी और गुजर की थड़ी से वापसी गोपालपुरा मोड़ तक दूसरे रोड के ऊपर रहेगी। लगातार दोनों साइड दोनों रोडों पे इस तरीके की जी हाँ दोनों रोडों पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है कंप्लीट जारी है। अस्थायी अतिक्रमण जो है वो तमाम अतिक्रमणों को बुलडोजर जो है आगे कार्रवाई करता हुआ चलेगा, और पिछले अगर महीनों की बात करें तो लगातार इस महीने दूसरी बड़ी कार्रवाई है, इससे पहले स्थायी अतिक्रमण जो थे वो हटाए गए थे, और अगले 7 दिन तक इसी तरीके की कार्रवाई चलने वाली है। बाकायदा एक एक जो लाइन थी उसको चिन्हित किया गया था, ये तमाम जो बड़ी कोचिंग्स यहाँ पे चलती हैं, एक बड़ा इलाका जो है वो यहाँ पे कोचिंग्स का कहा जाता है गोपालपुरा बाईपास जयपुर का और गुजर की थड़ी, बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पे चल रहा है। तस्वीरें यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे रोड पे ये जो अस्थायी अतिक्रमण किया हुआ था उन पर ये कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे बड़े बड़े शोरूम और बड़े बड़े जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे, लेकिन अब यहाँ जो कार्रवाई जो है
जेडीए के दस्ते ने शुरू की है। जेडीए के प्रशासन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, भारी जाप्ता पुलिस जाप्ता जो है वो मौजूद यहाँ पे है। आप यहाँ तस्वीरें देखेंगे, एक्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ किस तरीके से जो अस्थायी अतिक्रमण जो किया गया था उसको यहाँ ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि शाम के वक्त दोपहर के वक्त यहाँ पे लंबा जाम लगता था, ट्रैफिक जाम होता था, और इसी कारण से जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस चीज को। तो ये लाइव तस्वीरें जयपुर से आपको दिखा रहे थे। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में होंगे शामिल। एयरफोर्स वन के विमान से ट्रंप जा रहे हैं, आज शाम नेशनल कन्वेंशन में शामिल हो सकते हैं। कल के हमले के बाद ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल हमला होता है, उनके कान से छूटी गोली निकल लगती दिखाई देती है, वो साइड से निकल जाती है और फिर खून के धब्बे उनके गाल पर और कान पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। और इसके बाद ये बड़ी खबर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कि वो रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में शामिल हो सकते हैं। तो एक बड़ी खबर सामने आती है, हमलावर एक ढेर कर दिया जाता है और बताया जाता है कि उसका नाम थॉमस मैथ्यू है, 20 साल की उसकी उम्र बताई गई। और उसने एक वीडियो भी उसका सामने आया था जहां वो कहता दिखाई दे रहा था कि आई हेट ट्रंप। इसके अलावा बम बनाने का सामान भी बरामद किया गया था। और आज ये बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, जहां बताया जा रहा है कि रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में वो शामिल हो सकते हैं नवंबर में चुनाव, और उससे पहले बड़ी खबर। तो ट्रंप पर हुए हमले को लेकर पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है। तो वे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस मुद्दे को लेकर के बड़ा बयान दिया है। जो बाइडेन ने कहा है कि दरअसल पूरे घटनाक्रम की शुरुआती जांच जो है वो चल रही है, हमलावर कौन था इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, हमलावर जल्द पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इन तमाम बयान के बावजूद जो जाँच है इसमें बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, तमाम रहस्य है जो निकल के सामने आ रहे हैं। क्या कुछ है पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। बाल बाल बचे ट्रंप, साजिश के सबूत, बाइडेन का बयान। We don't yet have any information about the motive of the shooter. We know who he is. किसका इंतकाम, पेंसिल्वेनिया में प्रचार के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरीके से हमला किया गया उसने अमेरिका को सन्न कर दिया। महज 9 सेकंड में ट्रंप पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक 6 गोलियां दागी गईं। कान को चीरती हुई गोली ट्रंप की कनपटी के बगल से गुजर गई। ट्रंप लहूलुहान हुए लेकिन बाल बाल बच गए। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने हमलावर को ढेर कर दिया। जरा देखिए किस तरह ट्रंप ने झुककर खुद की जान बचाई, और पलक झपकते ही सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें घेर लिया और सुरक्षित बाहर ले गए। हालांकि हमले के बाद भी ट्रंप का अंदाज देखने लायक था। अब ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जल्द से जल्द पूरी घटना की जांच की बात की, साथ ही लोगों से कोई कयास न लगाने की अपील भी की।